सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर तो हाजिर हाँ तुहाडे सामने लैके अगला पार्ट कोडिंग डीकोडिंग दा। हुण तक असीं कीता है लैटर टाइप, नमेरिकल टाइप अते सिंबल टाइप दे विच। हुण असीं करांगे मिसलेनियस जो साडी कोडिंग डीकोडिंग है, जो साडी मिसलेनियस टाइप दे क्वेश्चन हन। मिसलेनियस टाइप दे क्वेश्चन वह क्वेश्चन हन जिस दे विच जिहड़े वर्ड्स हन उन्हां दी कोडिंग वर्ड्स ही दित्ते जांदे ने। जिस तरह कि असी इन उदाहरण के समझते हाँ, इन ए सर्टन कोड लैंगुएज इट पिट सिट मीनस आई एम बॉय, इट निट सिट मीनस आई एम गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनस गर्ल। कहिंदा किसी खास कोड के इट पिट सिट का मतलब आई एम बॉय है, इट निट सिट का मतलब आई एम गर्ल है, तो किहड़ा शब्द है जो गर्ल नूं दसदा है। सानू चार ऑप्शन दित्तियां हुई हैं, इट पिट सिट अते निट। सब तो पहला असी उसी तरह जो साढ़े दोने पार्ट सीगे कोडिंग अते डीकोडिंग वाले, उन्हां नूं असी एक जो है लाइन दे विच लिख लिया है। हुण असी देखते हाँ कि दोने जिहड़े डीकोडिंग पार्ट सीगे उन्हां दे विच किहड़ियां चीज़ां कॉमन ने गियां। तो इन्हां विच जो असी देखते हाँ तो इट जो है दोनों दे विच कॉमन है, अते जो सिट पार्ट है वह भी दोनों के कॉमन पिया है। इट मीनस जिहड़े ये कोडिंग डीकोडिंग पार्ट है इट अते सिट सिट कॉमन हैं। तो दूसरी साइड के उत्ते देखांगे उत्थे साढ़े कोल आई अते एम जो है वह कॉमन पिया है। इट मीनस जिहड़ा पिट है वह रीप्रजेंट करता है बॉय नूं, अते जो निट है वह रीप्रजेंट करता है गर्ल नूं। इट मीनस जिहड़ा गर्ल है उस दे लई असी फिल करांगे निट एन आई टी। तो इस तरह प्यारे बच्चों असी इस क्वेश्चन दे विच जो उत्तर है पता कर सकते हाँ। जेकर असी मैं पहला भी गल की सी कि जोड़े लास्ट वाले सिंबल टाइप दे अते मिसलेनियस टाइप दे क्वेश्चन हैं बहुत ईजी ने, पर अक्सर असी इस नूं लैक ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा टफ मन लैने। एक होर सवाल असी ट्राई करते हाँ जिस दे विच साडे कोल है 7 8 6 मीनस स्टडी वेरी हार्ड, 9 5 8 मीनस हार्ड वर्क पेस, एंड 6 4 5 मीनस स्टडी एंड वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर वेरी। एक खास कोड की भाषा के सानू जो कहा गया है कि 786 का मतलब है स्टडी वेरी हार्ड, 958 का मतलब है हार्ड वर्क पेस, एंड जो साढ़े कोल है 645 है उसका मतलब है स्टडी एंड वर्क। असी जो साडा शब्द है बैरी उसका जो कोड है वह पता करना है। तो इस भी असी साढ़े लिए चार जो ऑप्शन हैं वो दिती हुई हैं, इन्हों विचों एक ऑप्शन जी है असी चूज करनी है। तो साढ़े कोल 786 इस असी लिख लिया स्टडी वेरी हार्ड, 958 हार्ड वर्क पेज, एंड 645 स्टडी एंड वर्क। जो असी फस्ट टू चैक करते हाँ डी कोडिंग वाले पार्ट के कोडिंग वाले पार्ट के, तो साढ़े कोल हार्ड जो है दोनों के आ जाता है। तो उस दे विच जो साढ़े कोल फस्ट लैटर डिजिट्स हैं उन्होंने साढ़े कोल 8 आ जाता है। इट मीनस जो हार्ड वर्ड है साढ़े कोल उसका मीनिंग है 8। इस तरह जो असी फस्ट ते थर्ड देखते हाँ तो साढ़े कोल जो स्टडी है वह कॉमन आ जाता है, अते जेकर असी डिजिट्स के देखिए तो 6 कॉमन है। तो फस्ट दे विच सानू 6 का भी जो है कोड पता लग गया है, 8 का भी पता लग गया है, बी कोड कह सकते हैं असी। तो जे इस तरह साढ़े कोल जो वैरी शब्द है उसका जो साढ़े कोड आ जाएगा वह आ जाएगा 7। हुण असी करते हाँ जिहड़ी साडी पिछली शीट सी उस दे विच जो सवाल सन दिते हुए उन्हां दा सोल्यूशन। इफ इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज ईट इज़ रिटन एज 318, चेयर इज रिटन एज 24156, दैन हाउ टीचर विल बी रिटन इन दैट कोड। एक निश्चित कोडिंग प्रणाली के ईट नू 318, चेयर नू 24156 लिखा जाता है, तो टीचर नू असी किवें लिखांगे। तो सब तो पहला उस तरह जो भी साढ़े कोडिंग पार्ट है अते डी कोडिंग पार्ट है उन्होंने असी पैरल लिखांगे, 8318 चेयर 24156। हुण असी टीचर का जो है कोड पता करना है। तो
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੋਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਅਤੇ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੀ ਦਾ ਕੋਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 8 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀ ਦਾ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ 8 ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਈ ਦਾ ਕੋਡ ਜੋ ਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 3 ਏ ਦਾ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 1 ਸੀ ਦਾ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਚ ਦਾ ਕੋਡ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4 ਈ ਦਾ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3 ਅਤੇ ਆਰ ਦਾ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 8312436 ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ 165135 ਇਜ਼ ਟੂ ਪੀਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 165135 ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1215225 ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਬੜਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 16 ਜੋ 5 ਹੈ ਉਹ ਈ ਨੂੰ ਜੋ 1 ਹੈ ਉਹ ਏ ਨੂੰ ਜੋ 3 ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਨੂੰ ਜੋ 5 ਹੈ ਉਹ ਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 15 2 22 5 ਇਸ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 12 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਲ 15 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਓ 22 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅਤੇ 5th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲਵ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਫ ਪੈਰਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਪੀਕੋਕ ਪੀਕੋਕ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਸਵੈਲੋ ਸਵੈਲੋ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਪੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਪੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਸਪੈਰੋ ਦੈਨ ਵਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਅਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਡ ਜੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਅਤੇ ਨਿਗਲ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਸਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਟਾਈਪ ਹਨ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਟਾਈਪ ਹਨ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੈਰਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਕੋਕ ਪੀਕੋਕ ਸਵੈਲੋ ਐਂਡ ਸਵੈਲੋ ਪੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਜੋ ਪੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਰੋ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਕੋਕ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਕੋਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਵੈਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੈਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਂਸਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਰ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੈਰਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਕੋਕ ਜੋ ਪੀਕੋਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੈਲੋ ਸਵੈਲੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਜ਼ਨ ਪੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਰੋ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੀਕੋਕ ਪੀਕੋਕ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਵੈਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਫ ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਕੋਡਿਡ ਐਜ 73541 ਐਂਡ ਕਲਕੱਤਾ ਇਜ਼ 8258962 ਦੈਨ ਹਾਊ ਵਿਲ ਕੈਲੀਕਟ ਬੀ ਕੋਡਿਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦਾ ਗਾ
तो हुण असी सब तो पहला उस तरह जो जो सानू क्वेश्चन दे विच दित्ता होया है उसनू लिख लवांगे। दिल्ली, दिल्ली दे नीचे उसदे जो कोड वर्ड सी वह लिख ले। कलकत्ता, उसदे नीचे जो कोड वर्ड सी वह लिख ले। तां प्यारे बच्चों सब तो पहला जदों तुहानू सिर्फ एक ही टर्म दिती होवे क्वेश्चन दे विच उदों तां असी देखना है कि इन्हां दा आपस विच कोई रिलेशन है जां नहीं है। जेकर सानू मल्टीपल टर्म्स दित्तियां होन, मल्टीपल वर्ड्स दित्ते होन अते उन्हां दे कोड दित्ते होन तां इन्हां विचों मोस्टली दे विच की हुंदा है कि असी सिर्फ उस नंबर दे उस वर्ड दे जिहड़े जां उस लैटर दे कोड जिहड़े हन उस दे विचों ही फाइंड आउट करने हुंदे हन। तां इस क्वेश्चन दे विच वी असी जदों देखदे हाँ तां सी एट्थ है, ए सैकेंड है, तां हुण इत्थे कोई सिद्धा कोड नहीं हैगा, यानी कि डायरैक्ट ही इत्थे जो नंबर हैं उन्होंने एक सिंपल कोड रख दिता गया है। तो हुण असी जो कैलीकट की गल करा तो उत्थे सब तो पहला सी दे लई साडे कोल कोड जो है वह है एट, ए दे लई साडे कोल जो कोड है वह है टू, एल दे लई फाइव, आई जो असी दिल्ली का लास्ट वर्ड देख डिजिट देख अल्फाबेट देखते हाँ तो वह साडे कोल आ जाता है वन, सी दे लई साडे कोल है एट, यू लई साडे कोल है नाइन, अते टी दे लई साडे कोल है सिक्स। इस तरह असी जिहड़ा सी इसका आंसर पता कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन सी प्यारे बच्चों, अज दे लई असी इना ही करांगे। जो साडा कोडिंग डी कोडिंग पार्ट सी उस दे विच मैं तुहानू जो भी टाइप्स सन वह सारिया करा दित्तियां हन, समझा दित्तियां हन। आस करदा हाँ कि तुहानू सब नू समझ भी आ गईयां होणगीयां, क्योंकि कोडिंग डी कोडिंग जो है एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस दे विच अलग अलग तरह के सम आ जाते हैं, पर जो भी टाइप्स आपां साडे लई इन्नियां ही सफिशिएंट रहणगियां अते सानू एग्जाम दे विच मोस्ट प्रोबेबली इस दे विचों ही क्वेश्चन आ जाएगा। अगे तो भी आपां अगलियां वीडियोज़ जिहड़ियां गईयां वह बनाते रहेंगे ताकि तुहाडी एन टी एस सी एन एम एम एस जां कॉम्पीटिटिव एग्जाम की तैयारी जो है वह चंगी तरह हो सके। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।